डियर लर्नर, लास्ट सेशन में हमने कवर किया कि वर्किंग ऑफ सर्च इंजन का कंसेप्ट क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी साइट को या इंसान को आपको वेब पे खोजना हो तो वो कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइट्स को सर्च इंजन के ज़रिए लोकेट करेंगे। तो देखो, किसी को हमारी स्कूल की वेबसाइट खोजनी हो, ओपन करनी हो गई, और उसे उसका एग्जैक्ट यूआरएल पता नहीं है, तो बस इतना पता है कि APS आज़मगढ़ है। अब आगे .org लिखा है या .com लिखा है, इस चीज़ में उसे कन्फ्यूजन है, तो वो सिंपली डोमेन का जो भी थोड़ा सा पार्ट उसे याद है उसे सर्च कर सकता है। APS आज़मगढ़ सर्च करेगा तो उस सर्च रिज़ल्ट में हमारे स्कूल की वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, फिर वहाँ से वो उसे विज़िट कर ले। या फिर हमारे स्कूल की वेबसाइट से जुड़ा हुआ उसका स्पेसिफिक डेटा सर्च इंजन में सर्च करे, जैसे कि हमारे स्कूल का नाम ही टाइप कर ले तो भी उसे जो है वो सर्च रिज़ल्ट में इंफॉर्मेशन दिखाई दे देगी, जिससे कि वो हमारे वेबसाइट पे जा सकता है। और डेफिनेटली उसे ऐसा करने के लिए सर्च इंजन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे दी जा रही है कि गूगल सर्च इंजन किस कंपनी से, ऑफ कोर्स गूगल से है। ओ बाय द वे, गूगल का एक नया नाम हो गया है, पता करिएगा। फिर इसके बाद बिंग सर्च इंजन है किसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट, और याहू तो याहू की तरफ से है ही। फिर इसके बाद अगर आपको लोगों को इंटरनेट पे खोजना हो गया तो ये कैसे मुमकिन है। ऐसा करने के लिए आपको अगेन उस इंसान से स्पेसिफिक, उस इंसान की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खोजनी होगी, जैसे कि वो मेल है तो उसका नाम क्या है, वो किस एरिया से है, उसकी एज क्या होगी, और किस स्कूल में पढ़ा होगा, ये वो वगैरह उससे जुड़ी हुई रहनी चाहिए। नहीं तो भाई, आप सिर्फ नाम लेके खोजोगे तो उस नाम के तो हज़ारों लोग दुनिया में मिलेंगे। जितना हो सके बी स्पेसिफिक टू द पर्सन। फिर इसके बाद खोजने के मेथड्स क्या हो गए, एक तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, आपको फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के लिस्ट में खोजते खोजते सर्च करते करते मिल ही जाते हैं लगभग सभी को ही। फिर इसके बाद अगर किसी इंसान की स्पेसिफिक डिटेल आपको चाहिए तो कुछ कंट्रीज़ हो गई, जैसे US, उसमें कुछ डेडिकेटेड वेबसाइट्स बने हैं जैसे कि PQ.com। ये पेड सर्विस होती हैं, इन्हें इन वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए पैसे देने होते हैं। तो इससे जो है बेसिकली आप किसी भी इंसान का जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप वहाँ पर जाके वहीं के किसी सिटीज़न से मैरिड होना चाहते हैं, तो अगर आपको पता करना है कि भाई वो सही में सामने से शरीफ तो दिखता है लेकिन पीछे से भी वो सही में शरीफ है, या पीछे से उसके ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं, ऐसा सब चेक करना हो तो ये वेबसाइट जो है, डेडिकेटेड वेबसाइट PQ.com आपको हेल्प कर सकती है। और फाइनली सर्च इंजन से भी आप लोगों को खोज सकते हैं, पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एनीवेज, दिस वाज वन ऑफ दोज मेथड एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन DFTBA।